हेलो फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग आई एम धर्मेंद्र सर टुडे डिस्कर्स न्यू चैप्टर क्वाडिनेट जोमेट्री ओके द आई विल डिस्कस क्वारिनेट जोमेट्री इन टुडे, ओके तो इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टेग्नोमेट्री एंड अप्लीकेशन ऑफ टेगनोमेट्री इतने सारे चैप्टर हम लोग टेंथ क्लास में स्टडी कर चुके हैं तो टूडे स्टार्ट न्यू चैप्टर तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड दिलेबस इन दिस चैप्टर विच टॉपिक की जो डिस्कस या विबस से डिस्कस डिस्क तो फर्ट ऑफ ऑल आई आई राइट हियर डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस एंड स्लोप ऑफ लाइन इस चैप्टर में हमारे पास तीन ही तीन ही पॉइंट है एक है डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला एंड स्लोप ऑफ लाइन तो हम लाइन का स्लोप हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एंड हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस मींस टू पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ओके okay? ये सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज टू डिस्कस डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले थोड़ा हम बेसिक कंसेप्ट आपको बताएंगे ओके okay? तो हियर राइट नंबर लाइन दिस इज द नंबर लाइन ओके दिस पॉइंट इज ओ ओ इज कॉल्ड ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव ओके दिस इज द माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव ओके तो ओरिजिन एंड राइट साइड ऑफ ओरिजिन इज विच नंबर पॉजिटिव नंबर दिस इज द पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर ओके और दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन निगेटिव नंबर निगेटिव नंबर ओके तो राइट साइड ऑफ द ओरिजिन इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन इज कॉल्ड निगेटिव नंबर राइट तो फर्स्ट डिफाइन द कोऑर्डिनेट तो अगर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं तो दिस इज द दिस इज द ए एंड दिस इज द बी ओके तो ऑन ऑन द नंबर लाइन इज दिस कोऑर्डिनेट दिस कोऑर्डिनेट ए एंड बी

माइनस टू तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ व्हाट ए सी डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सी मीन्स बड़े नंबर ए सी ए लिख सकते हैं सी ए तो टू माइनस माइनस टू बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस करेंगे तो मीन्स ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर इज़ माइनस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर ओके तो विच नंबर इज ए ग्रेटर टू इज ए ग्रेटर एज कंपेरिजन टू माइनस टू ओके तो हियर डिस्टेंस डिस्टेंस टू माइनस इंटू माइनस प्लस टू इक्वल टू फोर तो डिस्टेंस ऑफ सी इक्वल टू कितना आया माइनस फोर ओके तो इन दिस वे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट तो अब हम लोग आते हैं x एक्सिस पर अगर दो पॉइंट दिया है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एंड y एक्सिस पर दो पॉइंट दिए रहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे मींस इन पॉइंट लाइ ऑन x एक्सिस तो फाइंड द डिस्टेंस एंड पॉइंट लाइ ऑन y एक्सिस तो आल्सो फाइंड द डिस्टेंस तो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट लाइ ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस ओके तो देन आई एम गोइंग टू रफ द दिस पॉइंट एंड राइट ऑन योर Notebook okay. The so first of all, I am going to rough the board and write the point. Write the point. Ki find find the distance. First point. This is the first point. So this is the basic concept. I will discuss around round. It's a basic concept. Then after this, discuss the distance formula. Drive the distance formula between two points. Okay. The so two find the distance find find the distance find the distance between between two points between two points lie on lie on x axis lie on x axis okay so here this is the x and x dash this is the o and y dash and y point a and point b these two points lie on x axis so this is the coordinate of x comma x1 comma 0 coordinate of a and coordinate of b x2 comma 0 okay the so coordinate of a coordinate of a and coordinate of B. The in on the x-axis, on the x-axis means on the x-axis two point lie on the x-axis. The y-coordinate is zero. On the x-axis means y-coordinate is zero. And the y-coordinate in on the on the x-axis y-coordinate is zero. The distance of AB, distance of AB equal to x2 minus x1 distance of a b equal to x2 minus x1 okay and point number two this is a remember that and point number two key find find the distance find the distance between between Two points, two points lie on y-axis. Y-axis. Two point lie on y-axis. Okay. So like that, like like that. This is the x and x dash. This is the y and y dash. This is the origin origin of point of intersection of two axis is called origin. O kya hai origin hai point of intersection of two axis. Okay. So this point is P 0 comma y 2 y 1 and this point is a Q 0 comma y 2. Okay. So this is a y 1 and this is a y 2. So also find the distance. The distance equal to distance पी क्यू इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन डिस्टेंस है अगर इफ पॉइंट लाई ऑन विच एक्सिस वाई एक्सिस तो ऑन द वाई एक्सिस एक्स कोआर्डिनेट इज जीरो एंड हियर ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोआर्डिनेट इज जीरो ओके So this is a two-point. Find the distance between the points lie on x-axis and find the distance between two points lie on x-axis. So the two point write on your notebook and also discuss the distance formula. Okay. The so first of all, first of all, you mention on your notebook. Okay. Then first point.

फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला विच फार्मूला डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला ओके दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला आल्सो एक्सप्लेन दिस फार्मूला व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पहले मैं लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का काट प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस फॉर्मूला इज ए कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला ओके तो दिस फार्मूला इज ए कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला इसको कौन सा फार्मूला बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ओके इसे डिस्टेंस फार्मूला करते हैं अब ये कैसे होता है डिस्टेंस फार्मूला इसको मैं ड्राइव करके आपको दिखा रहा हूं कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है ओके okay, तो आइए देखिए ड्रॉ द दे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिस इज द वाई एक्सिस वाई एक्सिस वाई वाई डैश एंड एक्स एक्सिस एक्स एंड एक्स डैश ओके दिस इज टू पॉइंट टू पॉइंट दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी और दिस पॉइंट इज कॉल्ड

P P का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड Q Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 कॉमा 0 एंड दिस डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड y2 दिस इज द डिस्टेंस ऑफ y2 एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड y1 दिस इज a y1 द डिस्टेंस इज y1 ओके एंड डिफरेंस दिस इज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिस पॉइंट ए सी ए सी का डिस्टेंस है वाई टू एक्स टू माइनस एक्स वन ओके तो राइट हीयर राइट हीयर दिस पॉइंट इज राइट हेयर दिस पॉइंट इज एपी एपी इक्वल टू सी क्यू so this imply ap equal to what ap equal to y1 equal to cq so therefore cq equal to y1 this point is y1 okay this is the equal okay to so find the bc this is the bc bc this distance so bc equal to this imply bc equal to bq minus cq the so this imply BC equal to y2 minus y1. The so therefore BC equal to y2 minus y1. Okay. This is the y2 minus y1. So this distance B c what? Y2 minus y1. Okay. So in triangle in in triangle इंट्रेंगल इंट्रेंगल इंटरेंगल एसी बी एंगल सी इक्वल टू नाइंटी डिग्री बाय बायूजिंग पाइथा गोरस थियोरम स्क्वायर मीन ए बी का स्क्वाइर टू एसी का स्क्वाइर प्लस बी सी स्क्वायर ओके तो दिस इंप्लाई एस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इक्वल टू वाट एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू बी सी इन ब्रेकेट वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट ओके? तो दिस इंप्लाई दिस इंप्लाई ए इक्वल टू इक्वल टू दिस स्क्वायर कन्वर्ट एंड स्क्वायर रूट, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर ओके तो देर फोर एबी इक्वल टू रूट अंडर x2 टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर ओके दिस इज ए कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला दिस फार्मूला इज ए कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला दिस कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला तो हियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर तो हियर आल्सो डिस्टेंस मींस ए बी ए बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर ओके तो राइट हियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट राइट हियर या हियर राइट डिस्टेंस डिस्टेंस बिट्वीन टू पॉइंट टू पॉइंट इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर दिस इज दाइज दिस फॉर्मूला ओके तो मेमोराइज दिस फॉर्मूला दिस दिस इज नॉन नाइज़ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलते हैं दिस इज दिस इज नॉन नाइज़ डिस्टेंस फॉर्मूला दिस इज दिस इज नॉन नाइज़ डिस्टेंस फॉर्मूला ओके तो दिस इज नॉन नाइज़ डिस्टेंस फॉर्मूला इसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला आप इसको अपने नोटबुक में मेंशन करिए अब हम लोग इसका अप्लीकेशन करेंगे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पर या इसका एक रिमेम्बर पॉइंट है उस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं वो आपको ध्यान में रखना है राइट right? अगर पॉइंट ए ओरिजिन पर लाइक करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ओके okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द दिस कंसेप्ट ऑन योर नोटबुक ओके ऑन करो ए सी ऑन करो कर दिए ओके तो देन ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड रिमे राइट यिमेंबर पॉइंट ओके तो व्हाट इज द रिमेंबर पॉइंट तो रिमेंबर पॉइंट इज रिमेंबर पॉइंट बर पॉइंट ओके ये आप पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको क्या होता है रिमेंबर पॉइंट ओके रिमेंबर पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर वन क्या है कि क्वाडिनेट ऑफ ओरिजिन 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 आर आर जीरो कॉमा जीरो हैंस इफ द कोडिनेट हैंस हैंफ दर्डिनेट हैंफ द क्वारिनेट ऑफ पॉइंट ए ए का क्वारिनेट दिया है एक्स कॉमा वाई ओके ओके देन देन ओपीक्वल टू क्या हो गया

point number second this is going to rough and point number second point number second is is if if the points point number second if points if points a p and q lie on the plane पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट पी एंड टू लाइज ऑन प्लेन तो क्या होगा लाइ ऑन द प्लेन तो डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रैकेट स्क्वायर ओके दिस इज द रिमेंबर पी एंड क्यू लाई ऑन द प्लेन लाई ऑन द प्लेन तो क्या आएगा आपका कि लाई ऑन द प्लेन प्लेन क्या है लाई ऑन द एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन देन डिस्टेंस ऑफ पी की टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर रिमेम्बर ओके नेक्स्ट अब फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो था योर अकॉर्डिंग टू योर न्यू चैप्टर क्वारिने जोमेट्री ऑलरेडी एक्सप्लेन अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या सोल्व करेंगे क्वेश्चन ओके फॉर्मूला से रिलेटेड क्या हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन व क्वेश्चन देखता हूं क्वेश्चन क्या है पहले आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड तो मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूं एंड देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला ओके तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला तो फाइंड द डिस्टेंस क्वेश्चन है फर्स्ट एग्जांपल एग्जांपल या क्वेश्चन जो भी बोले क्वेश्चन वन है फाइंड द फाइंड द डिस्टेंस फाइन द डिस्टेंस बिटवीन फाइन द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन द पॉइंट ए का क्वाडिनेट आपको दिया है व्हाट इज द क्वारिनेट ऑफ ए माइनस वन कॉमा वन माइनस वन कॉमा वन एंड क्वारिनेट ऑफ बी बी का क्वाडिनेट आपको दिया है फाइव कॉमा माइनस सेवन द क्वारिनेट ऑफ बी फाइव कॉमा माइनस सेवन ओके तो राइट द सोल्यूशन सोलूशन इक्वल टू हार्ट हिस्स दल्यूशन ओके तो क्वारिनेट ऑफ ए ए का क्वारिनेट क्या दिया है माइनस वन कॉमा वन एंड बी का क्वारिनेट दिया है फाइव कॉमा माइनस सेवन ओके तो दिस इज दिस पॉइंट इज एक्स वन एंड दिस पॉइंट इज वाई वन एंड दिस एक्स टू एंड तो बाई यूजिंग दूसिंग दिस्टेंस फॉर्मूला बायूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ एबी इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर ओके तब द वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू इन इक्वेशन इन फॉर्मूला तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू एक्स टू इक्वल टू फाइव माइनस वन और माइनस वन कर ली ब्रेकेट का ब्रैकेट स्क्वायर क्योंकि सिंपल ब्रैकेट भी हमने बीच में यूज किया हूं इसलिए मैं करली ब्रैकेट यूज किया हूं ओके okay? y2 y2 इक्वल टू इक्वल तो आल्सो यूज माइनस सेवन एंड माइनस वन का ब्रैकेट स्क्वायर ओके तो दिस इंप्लाई ए बी इक्वल टू अंडर रूट फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस वन का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस एट का ब्रेकेट स्क्वायर ओके तो हियर तो दिस इंप्लाई ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी रूट अंडर सिक्स का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस माइनस एट का ब्रेकेट स्क्वायर ओके तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट अंडर थर्टी सिक्स अ प्लस सिक्सटी फोर तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू √100 तो देयरफॉर ए डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 10 हमने क्या लिया डायरेक्ट ए बी का वैल्यू कितना दिया 10 लिया 10 क्यों लिया डिस्टेंस नेवर निगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है ओके तो आल्सो टेक द पॉजिटिव साइन तो डिस्टेंस क्या आया 10 द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इक्वल टू दे आर फॉर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट इक्वल टू वट टेन टू पॉइंट क्या है ए बी इक्वल टू टेन ओके तो इस टाइप इन दिस वे टू सॉल्व द क्वेश्चन अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला तो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके दो पॉइंट के बीच के क्वेश्चन को दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइन कर सकते हैं ओके एंड देन राइट द क्वेश्चन नंबर टू एंड देन राइट द क्वेश्चन नंबर टू ओके तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट यू मेन्शन द क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक ओके देन आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड

ए का क्वारट दिया है माइनस थ्री कॉमा थ्री बी का क्वारिनेट दिया है व्हाट इज द ऑफ बी माइनस थ्री कॉमा टू है एंड क्वाडिनेट ऑफ बी इक्वल टू वन कॉमा माइनस टू वन कॉमा माइनस टू एंड क्वारिनेट ऑफ सी इक्वल टू व्हाट नाइन कॉमा नाइन कॉमा माइनस टेन नाइन कॉमा माइनस टेन क्या करना है आर कोलोनियर इसको बताना है कि आर को लिनियर ओके तो सो so क्वेश्चन है सो so okay? तो ए बी सी आर कोलोनियर ओके तो ये आपको बताना है कि इस सारे पॉइंट कोलोनियर हैं कि नहीं है ओके okay? तो हमने आपको बताया हूं कोलोनियर के क्या कंसेप्ट होता है अगर दो पॉइंट अगर इफ थ्री लाइन्स आर कोलिनियर या थ्री पॉइंट आर कोलिनियर लाइन नहीं थ्री पॉइंट लाइ ऑन द सेम प्लेन या सेम लाइन दर बट यहाँ पे फॉर्मूला से अप्लाई करके हम ये बताएंगे कि पॉइंट कोलिनियर है तो पॉइंट कोलिनियर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप फाइन करेंगे दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस एन समू पॉइंट सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ थर्ड पॉइंट डिस्टेंस ऑफ थर्ड पॉइंट के इक्वल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि दीज़ आर कोलिनियर। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं सोल्यूशन और हम प्रूफ़ करके देखते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर या नॉट कोलिनियर ओके तो क्वारिनेट ऑफ ए एक्वल टू माइनस थ्री कॉमर टू एंड बी इक्वल टू वन कॉमा माइनस टू दिश इज द एक्स वन एंड दिश इज द वाई वन दिश इज द एक्स टू एंड दिश इज द वाई टू ओके तो एक्स वन एक्स टू एक्स वन वाई वन एक्स टू एंड वाई टू ओके एप्लाइड बाई यूजिंग बायजिंग यूजिंग डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डी ए बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर ओके तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू वन एक्स टू इक्वल टू वन और एक्स वन इक्वल टू माइनस थ्री का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस टू एंड माइनस टू का ब्रेकेट स्क्वायर ओके तो दिसंप्लाई डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस 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 इंटू माइनस प्लस थ्री का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस माइनस फोर का ब्रैकेट स्क्वायर ओके तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट अंडर वाट फोर का स्क्वायर और प्लस फोर का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन इक्वल टू रूट अंडर थर्टी टू मीन्स दे आर फोर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू फोर रूट टू इक्वेशन नंबर वन ओके एंड डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस एंड बी सी बी का क्वाडिनेट क्या है वन कॉमा माइनस टू एंड एंड सी का क्वाडिनेट क्या है नाइन कॉमा माइनस टेन दिस इज द एक्स वन वाई वन एक्स टू एंड वाई टू ओके तो फाइंड द डिस्टेंस तो अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ओके तो डिस्टेंस बी सी इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ब्रैकेट स्क्वायर ओके ओके एंड तो दि सई डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू रूट अंडर वक्स टू नाइन माइनस वन का ब्रेकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस टेन प्लस टू का ब्रेकेट स्क्वायर इक्वल टू दिस इंप्लाई बीसीक्वल टू रूट अंडर एट का स्क्वायर प्लस माइनस एट का स्क्वायर That so this imply B C equal to root under 64 uh, plus 64 equal to 2 equal to root under kya? 2 into 64 means therefore distance of BC equal to 8 root 2 equation number what? 2. And then find the distance of what? AC. A C equal to what? Coordinate of AC. वन माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री कॉमा टू एंड सी का कोऑर्डिनेटिक वन कॉमा नाइन कॉमा माइनस टेन ओके तो दिस इज द एक्स वन वाई वन एक्स टू एंड वाई टू ओके बाय यूजिंग द विच फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ओके बायूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला राइट हिस्स ओके तो डिस्टेंस फॉर्मूला वॉट इज द डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का ब्रेकेट स्क्वायर एंड वाई टू माइनस वाई वन का ब्रेकेट स्क्वायर ओके तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू रूट अंडर वाई टू मीन्स सॉरी एक्स टू नाइन प्लस थ्री का ब्रेकेट स्क्वायर माइनस एन टू प्लस थ्री हो गया टू माइनस टेन माइनस टू का ब्रेकेट स्क्वायर तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू रूट अंडर ट्वेल्व का स्क्वायर और प्लस माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर ओके So this implies distance of AC equal to root under 144 plus 144. Yeah, this implies distance of AC equal to 2 into 144. Yeah, distance of AC equal to root under 2 into 12 ka square. Okay, so therefore distance of AC equal to 12 root. टू इक्वेशन नंबर थर्ड इस तरह से हमने क्या किया इन दिस वे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी ए बी डिस्टेंस ए बी इक्वल टू वाट फोर रूट टू एंड डिस्टेंस बी सी इक्वल टू एट रूट एट रूट टू एंड डिस्टेंस ए सी इक्वल टू ट्वेल्व रूट टू ओके नाउ हियर नाउ हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर

12 root 2 means ac okay so therefore therefore so therefore distance of ab plus distance of bc bc equal to distance of ac right so therefore 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 point therefore point a comma b and सी आर कोलिनियर ओके तो दिस पॉइंट इज कोलिनियर तो अगर एक कंडीशन होल्ड होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका पॉइंट क्या है कोलिनियर है इन दिस वे आप मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड पॉइंट का अगर कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो आपको सम ऑफ टू पॉइंट्स इक्वल टू किसके थर्ड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन थर्ड पॉइंट के इक्वल होना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों को ऐड किए वो किसके इक्वल हो गया थर्ड के इक्वल हो गया ट्वेल्व रूट टू तो हम बोल सकते हैं दिस पॉइंट इज ए क्लोनियर तो आज मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ इन कंप्लीट करता हूं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी और सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप इस वीडियो को सिंसियर देखिएगा उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और लेंगे ओके बाय थैंक यू